तो मीडिया वाले जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पूछते हैं दिल्ली में क्या होगा। मैं आज आप सबके सामने जवाब दे देता हूं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये मीडिया वाले, मीडिया के मित्र मुझे ये भी पूछते हैं कि अमित भाई आधार क्या है। लास्ट टाइम तो आपको यहां बहुत खराब बुरी तरह से आप हारे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि झांसा कोई किसी को एक ही बार दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता है। एक बार केजरीवाल जी ने दे दिया, उसके बाद में नगर निगम के चुनाव हुए, आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद में 2019 के चुनाव हुए, दिल्ली के 13,750 बूथों में से 12,064 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम मेरे कार्यकर्ताओं ने किया है। 88% बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करी है। मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनावी इतिहास में एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, किसी पार्टी ने 88% बूथों पर चुनाव जीता है। अभी अभी जनता के कल्याण के सारे पैसे अखबारों में एडवर्टाइज में देख रहे हैं, श्रीमान केजरीवाल का बड़ा बड़ा फोटो हम देख रहे हैं, ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, ये कर दिया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया 5 साल हुए, समाप्त क्या किया वो तो बताओ जरा। अब 5 साल के बाद शुरू कर रहे हो, आपको भी मालूम है समाप्त नहीं करना है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, 5 साल से सरकार चली, उसने क्या किया ये आपको हिसाब मांगना चाहिए केजरीवाल से। अभी ये जो कह रहे हैं वो सारी चीजें उनको भी मालूम है पूरी नहीं करनी है। मैं केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूं, हम तो हमारे काम लेकर जाएंगे, मगर भैया केजरीवाल आपने क्या किया जरा हिसाब किताब बताइए। तो आपने कहा था 20 कॉलेज बनेगी, मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, कॉलेज कहां गई मालूम नहीं पड़ती। 5,000 से ज्यादा स्कूल बनाने वाले थे, मैं चश्मा चढ़ाकर देख रहा हूं स्कूलें कहां गई मालूम नहीं पड़ता है। अस्पताल बनाने की बात करी थी, अंत में एक मॉडल का फोटो दिल्ली वालों को दिखा दिया, दिल्ली वालों को झांसा देना आप चाहते थे। तीनों नगर निगमों को 10,000 करोड़ रुपए की ग्रांट रोककर उनको फेल करने का षड्यंत्र किया, मगर मैं प्रशंसा करना चाहता हूं नगर निगम के हमारे भाइयों बहनों की, उन्होंने स्वच्छ दिल्ली का अभियान फिर भी अपने बूते पर चालू रखा है केजरीवाल का सहयोग न होने के बाद में। युवा फ्री वाईफाई की राह देख रहे हैं, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने थे उसकी भी राह देखते हैं, अनुबंधित शिक्षक को पक्का करना था, अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करना था उसकी भी राह देख रहे हैं, प्रदूषण कम करने की जगह प्रदूषण आपने बढ़ा दिया, और हम जो देना चाहते थे उसमें भी आप रुकावट बने हो। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता अब आपको जान गई।